फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैक्टर 21 के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12 के फीचर्स को लेकर, जो कि कल लॉन्च हो चुका है। आज हम बात करेंगे इसके कुछ एक्साइटिंग फीचर्स को लेकर, जो कि एंड्रॉइड को बनाता है काफी ज्यादा स्पेशल। तो पहले बात करते हैं इसके विजुअल इफेक्ट्स को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको काफी ज्यादा इसमें विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड 11 के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है हर एक डिवाइस में। अगर आप हैं एक गूगल पिक्सल यूजर या फिर एक चाइनीज स्मार्टफोन ओनर, तो आप बन सकते हैं एंड्रॉइड 12 के बीटा टेस्टर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बात करें इसके अगले फीचर की, तो वो है इसका अडाप्टिव कलर। अगर आप इसमें कोई भी एक अनदर वॉलपेपर सेट कर देते हैं, तो ये एक अडाप्टिव कलर चेंज कर लेगा अपने विजेट्स और टॉगल्स में। तो टॉगल्स की ही बात करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा जो है हम अमेजिंग टॉगल्स जो आपको देखने को मिलेंगे। टॉगल्स का साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा पुराने एंड्रॉइड फीचर्स से मुकाबले। तो बात करें इसके विजेट्स की, तो विजेट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप सबने अपने स्मार्टफोन में एक क्लॉक तो जरूर रखी होगी, जो कि होगी आपकी होम स्क्रीन। लेकिन इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग क्लॉक आपको देखने को मिलेगी, जो कि होगी एक 3D एनिमेटेड क्लॉक, जो स्मार्टफोन की स्क्रीन पे काफी ज्यादा अच्छी दिखेगी। और अगर आप देखते हैं इसमें वेदर रिपोर्ट, तो वेदर रिपोर्ट भी आपको काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से देखने को मिलेगी। और बात करें इसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन को लेकर, तो नोटिफिकेशन स्क्रीन भी इसमें काफी ज्यादा शानदार है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ही जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको इसमें टॉगल को स्विच ऑन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करें प्राइवेसी फीचर्स को लेकर, जी हाँ दोस्तों, अभी ये आपको फीचर एक्सप्लोर करने का मौका दे सकता है कि आपका जो एंड्रॉयड ऐप है वो किस फीचर को यूज कर रहा है। क्या वो आपका कैमरा यूज कर रहा है, क्या वो आपका माइक्रोफोन यूज कर रहा है। अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक और अमेजिंग चीज देखने को मिल सकती है, जो कि होगा इसके कैमरा को रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपके कैमरा में जो है आपको दिख जाएगा कि आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप एक वीडियो बनाते हैं तो आपको एक स्मॉल सा ग्रीन कलर का बटन उसमें दिखने को मिल सकता है। तो बात करें इसकी ब्राइटनेस की, तो इसकी अडाप्टिव ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और इसमें एक डिम फीचर भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको रात में यूज़ करना चाहते हैं और आपकी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो आप इसका अमेजिंग डिम फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी एक तो आपकी बैटरी को कंज्यूम होने से काफ़ी ज़्यादा रोकेगा और आपकी आंखों पे भी असर कम पड़ेगा। तो एक चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगी वो होगी इसकी लॉक स्क्रीन का टाइम। जी हाँ दोस्तों, आपके एंड्रॉइड 11 में लॉक स्क्रीन में टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रेस ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जो है वो टाइम ब्राइट होता दिखता रहेगा। और इसमें टाइम का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको डे नाइट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है। टाइम तो आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा आसानी है ही। तो इसकी क्लॉक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनदर फीचर्स भी हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप इसके क्लॉक को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपका टाइम रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा, या फिर एक छोटी क्लॉक आपको दिखेगी, या फिर एक ब्राइटर ब्रॉड क्लॉक जो आपको देखने को मिल सकती है। तो देखना ये होगा कि एंड्रॉयड जो है वो ऑफिशियल इसको हर स्मार्टफोन यूज़ के लिए कब लॉन्च करेगा। अगर आपके पास है एक चाइनीज स्मार्टफोन या फिर एक गूगल पिक्सल फ़ोन, वो भी 3 सीरीज़ के ऊपर, तो आप इसके एक बीटा टेस्टर बन सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं एंड्रॉइड 12 के अमेजिंग फीचर्स का। हालांकि ये आपको काफ़ी सारे फ्लैगशिप फोन्स में पहले से ही देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके यूज़र्स की, तो यूज़र्स की काफ़ी कंप्लेन है कि एंड्रॉयड जो है वो क्रैश होता दिख रहा है। एंड्रॉयड जो है वो अपने सिस्टम को सुधारने के लिए मिनिमम अगस्त तक का टाइम ले सकता है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में इसकी ऑफिशियल लॉन्च जो आपको देखने को मिल सकती है, और अपने स्मार्टफोन को अपडेट करके आप इन फीचर्स का मज़ा ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।